पटाखों से नफरत, कुर्बानी से प्यार, दिवाली पर थरूर का जहरीला विचार, क्या टारगेट पर है हिंदुओं का त्यौहार? जी हां, तो दिवाली में भले ही एनसीआर में पटाखे ना छूटे, लेकिन सियासत में इन दिनों खूब दिवाली मनाई जा रही है। पटाखा बैन पर बयानों का बम फूटता जा रहा है, और इस बम के फूटने के साथ ही एक नई बहस पैदा हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, मशहूर लेखक चेतन भगत और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय जैसे लोग इस बहस की कड़ी हैं। शशि थरूर बकरीद पर कुर्बानी को रीति रिवाज से जोड़कर देखते हैं, तो चेतन भगत मुहर्रम पर खून खराबे और बकरीद पर कुर्बानी को बैन करने की मांग इसी बहाने करने लगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिवाली पर एनसीआर में पटाखों पर बैन क्या लगाया, एक नई बहस छिड़ गई। मर्यादाओं से ऊपर उठकर, सीमाओं को लांघकर एक से बढ़कर एक बयान सामने आए। धर्म, कर्म, कानून और सामाजिक सबकी मर्यादाओं से इतर दिवाली से शुरू हुई बहस मुहर्रम और बकरीद पर आ गई। राजनेताओं के ट्वीट ने इस बहस की आग में घी डाल दिया। कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर ने अपनी सारी जानकारियों और विश्लेषणों का बोझ ट्विटर पर डाल दिया। ट्विटर पर शशि थरूर लिखते हैं, बकरीद में सिर्फ बकरों को कुर्बान किया जाता है, मुहर्रम में शोक मनाते हुए खुद को चाबुक मारते हैं, लेकिन दिवाली के पटाखे इसे मनाने वाले और ना मनाने वाले सबको नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे पहले जाने माने लेखक चेतन भगत की ज्ञान गंगा ट्विटर पर प्रवाहित हो चुकी थी। चेतन भगत ने लिखा कि पटाखों पर पाबंदी पर क्या मैं पूछ सकता हूँ, हिंदुओं के त्योहार पर ही ऐसी हिम्मत क्यों, बकरों की कुर्बानी और मुहर्रम में खून खराबे पर भी बैन लगना चाहिए। इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद इसे शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा, आपका उदाहरण उन लोगों के रीति रिवाज से जुड़ा है, उन्हें बैन करना दिवाली पर रोशनी बैन करने के बराबर है, पटाखे अपवित्र चीजें होती है। ये पूरी बहस तब और गर्म हो गई जब इसमें त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय कूद पड़े। संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद तथागत राय ने कहा कि अवार्ड वापसी गैंग का बस चले तो हिंदुओं के चिता जलाने पर भी रोक लगा दे। यू सी, प्राइमरीली द होल थिंग अरोज आउट ऑफ माय ट्वीट, एंड प्राइमरीली इन द ट्वीट आई हैड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट द कोर्ट डिसीजन। व्हाट आई हैड सेड इज दैट द वे द ही हांडी एंड अदर हिंदू फेस्टिवल्स आर बीइंग बैंड, वन डे वी विल फाइंड that cremation of Hindus will also be banned, or somebody will come and file a petition before the court for banning the cremation of Hindus on the grounds of pollution. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगाया और राजनीतिक गलियारों में पटाखे फूटने लगे। जिनकी दिवाली सुनी थी वो बयानों की फूलझड़ी जलाने लगे। नेताओं का एक के बाद एक आता बयान धमाके को तैयार रहा, इस बात से बेपरवाह कि जिनका भी हाथ जलेगा वो इसी देश के होंगे। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच कुछ और ट्वीट भी आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि इस बार हम दीपावली बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और इस ट्वीट को काफी लोग लाइक कर रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया कि यह बिल्कुल गलत फैसला है, पटाखों पर बैन नहीं लगना चाहिए। इस तरह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग अपने रुझान दिए हैं। बहरहाल एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले तारीफ कराते हैं सारे मेहमानों से। राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह नेता कांग्रेस, अब्दुल हफीज गांधी नेता समाजवादी पार्टी, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी राष्ट्रीय सचिव AIUM नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे, और मुन्ना कुमार शर्मा राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारत हिंदू महासभा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रताप सिंह आपसे करना चाहूंगा। शशि थरूर अब तुलना कर रहे हैं कि आप इसे मुहर्रम से जोड़िए, क्या हम ये माने शशि थरूर का ये जो बयान, ये जो ट्वीट आया कि अब जिस तरह से मांग की जा रही है बैन करने की, या समाज में लोगों के बीच एक रेखा खींचने की, ऐसे ट्वीट से इसको बढ़ावा मिलता है, क्या आप ये मानते हैं? अनुपम जी, मैं कहना चाहता हूं कि शशि थरूर जी के बयान के पहले जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए तथागत राय जो राज्यपाल महोदय हैं, कल मैं टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहा था कि किस तरीके से वो एक मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ ये बात कहा था कि जबकि इस तरीके से बातों का हम समझते हैं गवर्नर जैसे पद पे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, वो अपने पद की मर्यादा को भूलते हुए
जो उन्होंने एक सांप्रदायिक बात कही जो त्योहारों को लेकर लोगों की भावनाओं को, शशि थरूर जो कह रहे हैं क्या वो सही है करते हुए जो बात कहा वो सबसे बड़ा जो है विषय है। क्या शशि थरूर जो कह रहे हैं वो सही है? शशि थरूर जी ने ट्वीट किया है। अब ट्वीट की प्रासंगिकता कितना होती है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा है मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके से बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ल है। सर मुझे इतना बताइए, शशि थरूर ने जो ट्वीट किया क्या वो सही है या गलत? देखिए शशि थरूर जी ने किस जो है परिप्रेक्ष्य में ये बात कहा है ये उनसे पूछना होगा। लेकिन रही बात शशि थरूर का, तो ये ट्वीट है जो सीधे लाइव टीवी पे देखा गया है राकेश त्रिपाठी साहब राय जी का, ये शर्मनाक है। ये राकेश त्रिपाठी साहब, शशि थरूर ने जो कहा है कांग्रेस उसे गलत नहीं मानती? कांग्रेस कुछ नया थोड़ो कर रही है, कांग्रेस ने तुष्टिकरण की इससे भी ज्यादा पराकाष्ठाएं पहले भी की है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है ये वाक्य तो इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा है। तुष्टिकरण करने की पराकाष्ठा ये पहले, तो क्या आप ये मानते हैं कि फैसला गलत है? सर शशि थरूर का बयान अभी छोटा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं क्या फैसला गलत है? देखिए एक बात मैं कहूं अनुपम जी, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को ना मानना, ना फरमानी करना अवमानना की श्रेणी में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने विचार रखना, अपनी असहमति उससे व्यक्त करना, उसको लार्जर बेंच में चैलेंज करना, ये सब अधिकार के रूप में नागरिक के रूप में मिले होते हैं। ठीक है, तो तथागत राय की बयान से क्या आप सहमत हैं सर? तथागत क्या समर्थन करते हैं? तथागत राय, देखिए अनुपम जी, तथागत राय जी ने खुद स्पष्ट किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की किसी भी तरह से आलोचना नहीं की, बल्कि ये कहा है कि जिस तरह से समाज में एक समुदाय है जो लगातार हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाज संस्कारों पर हमला बोलने का काम कर रहा है, कहीं वो एक दिन ऐसा ना आ जाए जिस दिन वो हिंदुओं के अंतिम संस्कार को भी पर्यावरण से जोड़ समझ गया। बीजेपी समर्थन में खड़ी है तथागत राय जी का, बीजेपी समर्थन में खड़ी है तथागत राय के साथ, आपकी बातों से ऐसा ही लगता है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अब्दुल तथागत राय जी ने जो कहा वो सत्य कहा है। ठीक है अब्दुल हमीद साहब, तथागत राय भी सही कह रहे हैं और शशि थरूर भी सही कह रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि आप जैसे नेता, इन जैसे नेताओं के बयान से या एक राज्यपाल जैसे ओहदे पर बैठे एक आदमी को एक शख्स के इस बयान से एक रेखा खींच रही है समाज में जिससे लोगों के बीच भेदभाव बढ़ रहा है? हाँ ये बिल्कुल जो है वह तथागत राय और चेतन भगत ने अनावश्यक रूप से जो है बकरीद को और जो है संप्रदाय के रंग जो है देने का काम जो है। हफीज गांधी साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हफीज गांधी साहब क्या इन नेताओं के बयान से एक समाज में रेखा खींच रही है, लोग बट रहे हैं, जानबूझकर राजनीति की जा रही है एक फैसले पर? देखिए अनुपम जी मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको किसी एक धर्म के चश्मे से देखना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मसला जो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 3 बच्चों के द्वारा लाया गया था जिनकी उम्र 2 से लेकर 4 साल तक है। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि जिस तरह से पिछले साल दिल्ली में एक पॉइजनस स्मोग ने दिल्ली को 3 दिन के अंदर घेर रखा था, उससे जो है इनके जो डेवलपमेंट में परेशानी होती है, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त पर इस केस में फैसला दिया है। इस जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 9 अक्टूबर को फैसला दिया है इसकी टाइमिंग को लेकर मैं समझता हूं कि डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे सवाल खड़े करना, सुप्रीम कोर्ट के धर्म विशेष से जोड़ना, ये मैं समझता हूं कि सवाल तो खड़े हो रहे हैं सर। दिवाली पर पटाखे बैन कर आपने कर दिया, मुझे बोलने दीजिए मैं बता रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी धर्म विशेष को लेकर फैसले ना दिए होते, सभी धर्मों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुप्रीम कोर्ट बनाया 1950 से लेकर और आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, चाहे वो मुसलमानों से जुड़े फैसले हों, चाहे वो सिख समुदाय से जुड़े फैसले हों या पारसी समुदाय से जुड़े फैसले हों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखी है कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं रह सकता और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर भी जजमेंट दिए हैं और कहा है कि 10 बजे के बाद एक पर्टिकुलर डेसिबल से आप ज्यादा ध्वनि कौन राजनीति कर रहा है ये बताइए सर, हर धर्म से कौन राजनीति कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए हैं, कौन राजनीति कर रहा है ये बताइए, गांधी साहब, हफीज गांधी, ये बताइए कौन राजनीति कर रहा है? देखिए आप कौन राजनीति कर रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और क्यों राजनीति हो रही है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा होगा कि आप बताएं उत्तर प्रदेश को सर क्यों राजनीति हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश क्यों इस तरह की राजनीति एक पर्टिकुलर पार्टी करती आई है ये हर कोई जानता है। नाम लेने में सर क्या गुरेज है, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए। देखिए नाम में हजक जाहिर है, मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। बंधे हुए पार्टी से अपनी पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे हैं,
ठीक है, जिस तरह की राजनीति करती रही एक पर्टिकुलर पार्टी वो सब जानते हैं कि किस तरह से धर्म और जाति हमीद नुमानी साहब है वो हर कोई जानता है। हमीद नुमानी साहब बेवजह की मंशा पर सवाल उठाते हैं। ठीक है नुमानी साहब, क्या बेवजह इस मुद्दे को बकरीद और मुहर्रम तक बिल्कुल ये बेवजह जोड़ा गया है और समाज को सांप्रदायिकता के आधार पे बांटने की कोशिश की जा रही है और धर्म से जो कहीं ना कहीं इसको जो है समुदाय से जोड़ के जो है वो देखा जा रहा है और बांटने की कोशिश है। अगर आपको आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है पटाखे के संबंध में तो आप जो है कोर्ट जा सकते थे, आप दूसरे को उसमें क्यों घिसेट के लाते हैं, हम तो आपके मामले में कभी नहीं जाते हैं। वो लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि मुहर्रम पर जो खून खराबा होता है वो बैन हो, बकरीद पर कुर्बानी बैन हो। नहीं, मुहर्रम में जो खून खराबा होता है उसको सही कौन कह रहा है, कौन, हम तो सही नहीं कहते उसको, कोई मुसलमान उसको सही नहीं कहता मुहर्रम का खून खराबा, बकरीद पर कुर्बानी को, मुहर्रम से कोई लेना देना नहीं है खून खराबे का जो है, बकरीद पर जो कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी जो है वो धर्म का हिस्सा, आदेश है इस्लामी शरिया का जो है वो धर्म का जो है और धर्म की आजादी है यहाँ पर जो है भारत में संविधान के अंतर्गत, इसलिए आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आप कहते हैं खून खराबा नहीं होता लेकिन करने वाले भी मुसलमान होते हैं, तो वो गलत है ना, वो तो गलत है वो, लेकिन होते तो मुसलमान है, बहुत से लोग हत्या भी करते हैं उसको सही थोड़ी कहेंगे, लेकिन कानून क्या कहता है, कानून तो हत्या के खिलाफ जो बना हुआ है। लेकिन तो हर साल ऐसे मामले हैं, इस बार हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के शरीर से खून निकाला गया, नहीं वो गलत है ना, वो गलत है वो जो है कोई धर्म का हिस्सा नहीं है और उसको जो है इस्लाम ने कोई जो है वो उसका समर्थन नहीं किया। और बकरीद पर कुर्बानी, नहीं बकरीद कुर्बानी तो शरीयत का हिस्सा, उसका आदेश है वो और ये शरीयत का हिस्सा है कि कुर्बानी करो, तो मतलब आप ये मानते हैं कुर्बानी बैन नहीं होनी चाहिए? नहीं मुन्ना शर्मा जी, नहीं होना चाहिए, धर्म की आजादी का मतलब क्या, बैन क्यों लगा रहे हैं जब भारत देश आजाद हो गया। दिवाली पर पटाखे बैन होने चाहिए आप ये मानते हैं? नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आपको आपत्ति है मैं जो है हाँ नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ सर, क्या एक आम आदमी के, एक आम नागरिक के नाते आप ये मानते हैं दिवाली पर पटाखे बैन होनी चाहिए? देखिए अगर वो जो है सामाजिक तौर पे जो है पर्यावरण के संदर्भ में अगर जो है कहीं लगता है आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, दे सकता है लेकिन मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं जो है उसको उसके खिलाफ हूँ समर्थन में हूँ। नहीं हाँ या ना में जवाब, हम जो है आपकी आजादी को मानते हैं, आप मुन्ना कुमार शर्मा जी, आपकी आजादी, मुन्ना कुमार शर्मा जी देखिए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर तथागत राय और चेतन भगत जैसे लोगों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए मजबूर कैसे हुए। आप ये देख लीजिए कि जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम आता है तो दही हांडी पर रोक, जब दीपावली आ रहा है तो पटाखों की बिक्री पर रोक, जब जलीकट्टू त्योहार मनाने का समय आया तो उस पर रोक, आखिर ये बार बार हिंदुओं पर ही हमले क्यों हो रहे हैं? जब क्या आपको नहीं लगता कि बलि से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? क्या जो मुहर्रम में जो हिंसा हो रही है उससे ये पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? लेकिन हफीज गांधी को शक है सर, देखिए जो अजान पढ़ा जा रहा है जोर जोर से लाउड स्पीकर से, क्या उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा? तो क्या कोर्ट को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? या जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी एजेंसियां है वो कहां सोई रहती है? वो तो केवल हिंदुओं के खिलाफ ही ये सब कानून पास कराने में रहती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हिंदू खड़ा नहीं होगा तब तक ये इस तरह के हिंदू विरोधी कार्य रुकेंगे नहीं, और तथागत राय जैसे लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब कह रहे हैं और देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जानबूझ के मुसलमान थोड़ी किया है। देखिए ये मुसलमान तो नहीं किया है कोर्ट में पटाखे पाबंदी लगाने के लिए। देखिए नुमानी मुसलमानों इस्लाम से क्यों जोड़ते हैं? देखिए नुमानी जी ने तो ये बैन तो कराया नहीं, कोर्ट का फैसला, ये तो बैन तो कोर्ट ने किया, शक करना। लेकिन आपको बताऊं कुछ सर, हम शक नहीं करे सर, बात कीजिएगा, तीन तलाक के बारे में नहीं करे सर, राजनीतिक दल शक करे सर, हमें कोई शक नहीं है, फैसले आए हैं कोर्ट के। देखिए एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है वो हिंदुओं के खिलाफ लगा रहता है, हिंदू त्योहारों को टारगेट करना, हिंदू परंपराओं पर चोट करना, ये हमीद नुमानी जवाब देंगे इसका। हमीद नुमानी, एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ? नहीं मैं जो है वो ऐसा नहीं मानता हूँ। और अगर क्यों बार बार हो रहा है, आप मानते नहीं तो ऐसा है, आप तो मानेंगे क्यों, ये बताइए। अगर जो है आपको ऐसा कुछ लगता है तो इसके खिलाफ आपके ऊपर कोई चोट तो कर नहीं रहा? नहीं तो आप काम कीजिए ना, जब बहु विवाह का मामला आया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि मैं मुस्लिम परंपरा में षड्यंत्र हो रहा है उसको रोकने का
प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए। दूसरे संप्रदायों की परंपरा है, किसने रोका है? उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। हम तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हिंदू परंपरा को कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? आपके धर्म में या परंपरा में कोई भी चीज है, हम उसके खिलाफ नहीं, हम आपकी आजादी को मानते हैं। मैं मान रहा हूँ आप विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हिंदुओं को तकलीफ तो हो रही है, दिक्कत तो मान ही तो नहीं रहे, तो आ रही है। नहीं तो उसमें हमारा और इस्लाम का क्या, तो एक्टिव है हमारा और इस्लाम का क्या उसमें दखल है? हम तो मैं आपको कहाँ कर रहा, मैं तो आपको दोष दे ही नहीं रहा, आपका इसमें रोल तो है नहीं। हमें तो मानी साहब, जैसे पटाखों से प्रदूषण होता है, वैसे जीव हत्या भी एक तरीके से प्रदूषण नहीं है, जो है वो आजान को लेकर जो है या कुर्बानी को लेकर कोई। बताइए अगर हिंदुस्तान में हिंदू दीपावली नहीं मनाए, सब चीज जो है ये कहाँ मनाने जाएगा? ये वो उसका ये नहीं है, खाद में चला जाता है, हड्डी का इस्तेमाल हो जाता है, खाल को लोग जो है काम में ले आते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में मुद्दा नहीं है, दीपावली मनाने पर रोक लगाया जा रहा, तो हिंदू जाए कहाँ ये बताइए? हिंदू दीपावली कहाँ जाके मनाए? इससे पहले कि मैं हेमंत तिवारी साहब के पास जाऊं, अब्दुल हफीज गांधी साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपना सर रिएक्शन दीजिएगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम ना बना जाए, सांप्रदायिक चश्मे से ना देखा जाए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर धर्म को लेकर आए हैं, और सिर्फ इसको ये देखना कि ये किसी और का फैसला नहीं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र आप हिंदू मुस्लिम करते नहीं, तो आप सरकार से मांग कीजिए, बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि संविधान के ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हैं कि संविधान से ऊपर कोई काम करे? देखिए ये केस बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था, जहां पर वहां की जो ममता बनर्जी की सरकार उसके खिलाफ उलट फैसला दिया था। हमने स्वागत किया था उस चीज का, लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता दूसरे खिलाफ। मुन्ना कुमार शर्मा कह रहे हैं कि आप सरकार से आप खुद अपील करिए, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आप निंदा कीजिए सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जल्दी जवाब दीजिए, शक है सर, आप जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है और एक खास पार्टी पर आरोप है, आप पर आरोप है? नहीं, मैं त्रिपाठी जी को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी केंद्र की सरकार इस पर अध्यादेश ला सकती है, इस पर अध्यादेश सरकार लाए। अनुपम जी, इसमें क्या समस्या आ रही है? पार्टी तो केवल इतना कह रही है कि किसी का तुष्टीकरण न किया जाए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके बकरीद के पक्ष में समर्थन करना, हाँ। और दीपावली को बैन किए जाने का समर्थन करना, ये तुष्टीकरण है कांग्रेस का। कांग्रेस इस तुष्टीकरण को करना बंद करे, वो तर्क प्रस्तुत करे, लेकिन जिस प्रकार से एक मजहब के पक्ष में हाँ। खड़े हो जाना और बहुसंख्यक पक्ष की भावनाओं पर आहत उनको आहत करना, ये कांग्रेस की परंपरागत बन गई है, परंपरा बन गई कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जवाब देंगे। हमीद नुमानी तो यहाँ कह रहे हैं कि बकरीद पर जो कुर्बानी दी जाती है वो हमारे शरीयत का हिस्सा है, वो ये मान नहीं रहे कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए यही तो दुखद है ना कि नुमानी साहब इसको गलत मानेंगे नहीं, दीपावली पे पटाखे को लेकर बैन कर लोग समर्थन करने लगेंगे। दीप जलाइए ना, जो गलत है वो गलत है ना, वो जो गलत है उसको गलत मानिए। दीपावली के खिलाफ है कौन जो है? मैं इस बात को जलाइए जो है, अनुपम जी मैं इस बात को बहुत बहुत विनम्रता से, पटाखे क्यों ना छोड़े? नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, रामदेव भी कह रहे हैं, किसी भी बात को आप बता रहे हैं कि दिए जलाएं, दिए से ज्यादा आतिशबाजी कर रहा है, गलत है। पटाखे क्यों ना छोड़ते हैं? पटाखा छोड़ भी गलत, इसके खिलाफ नहीं हूँ आप तो, मैं आपकी आजादी को मानता हूं। आप तो मुसलमानों के भी खिलाफ हैं, आप पटाखा पर बैन का समर्थन कर रहे हैं। पटाखा बनाता नहीं, है मैं, पटाखा कौन बनाता है ये बताइए ना? पटाखा तो बनाता ही है सबसे ज्यादा मुसलमान। मैं आपकी आजादी को मानता हूं, चाहे पटाखा तो या परंपरा में, पटाखा सबसे ज्यादा मुसलमान बनाता है, रोजी रोटी जा रही है उसका व्यापार ठप हो रहा है। आजादी के खिलाफ नहीं हूँ, आप अगर पटाखा छोड़ते मैं आपके खिलाफ। ये कांग्रेस और सपा के लोग जो बैन का समर्थन कर रहे हैं, तो कौन सा मुसलमानों का हित कर रहे हैं? ठीक है, हमें जो आज व्यापार, तो लोगों को ये भी इंतजार रहेगा कि आप जाए उन लोगों के साथ जो कोर्ट में गए हैं इस बार दोबारा इस पुनर्विचार याचिका को लेकर, आप अभी उनके साथ जाए और कहे कि नहीं हिंदुओं का ये बड़ा पर्व है, अच्छा लगेगा हिंदुओं को भी। जी देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर। अनुपम जी मैं कहना चाहता हूँ ये बेफालतू की बहस है। धर्म हिंदुस्तान में जो हमारे संविधान ने, फिर आपके नेता क्यों कूदते हैं बहस? दिक्कत ये है कि संप्रदाय के लोग आपके नेता बहस में कूदते क्यों हैं ये बताइए ना? आस्था का, आस्था में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई धर्म हो, उसको अपने धर्म के अनुसार अपने जो है त्योहारों को मनाने को उसको आजादी। लेकिन दिक्कत ये है कि सर आपके नेता कूदते होता है तो निश्चित आपके नेता तो कूदते हैं। हेमंत तिवारी साहब बहुत देर से सुन रहे हैं आप सबको, हेमंत तिवारी साहब क्या जानबूझकर इन चीजों को भड़काया जाता है? क्या जानबूझकर
बैन देते देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर आज हो रही है। हेमंत तिवारी, ये दुनिया जानते है, हिंदुस्तान जानता है हेमंत तिवारी जनता को कौन दिग्भ्रमित करता है। क्या बोलूं जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। प्लीज अब इस तरीके से षड्यंत्र सुन लीजिए जवाब, राजनीति नहीं चलने वाली है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब ठीक है की जनता देगी। मैं आपका जवाब समझ गए जी। हेमंत तिवारी जी, जी बताएं जी, जानबूझकर समझ नहीं आया, जानबूझकर देश की सर्वोच्च अदालत के इस एक फैसले पर राजनीति की जा रही है, लोगों को बांटा जा रहा है। एकदम सही फरमाया आपने। जाति तौर पर अगर मुझसे पूछा जाता और मैं दिल्ली एनसीआर में होता तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती, लेकिन मुझे हर साल वहां जब भी रहा हूं तकलीफ होती है। रवायत है कि आप रोशनी करें, आप अपनी खुशी का इजहार करें, लेकिन यह रवायत नहीं है कि आप पूरा आसमान गुजा दें, इतना धुआं कर दें कि आदमी को सांस लेते न बने। बहरहाल चलिए, मेरी निजी राय हो सकती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की जो राय है, मुझे लगता है कि उस पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़े बहुत विद्वान व्यक्ति बनते हैं शशि थरूर, उनको इस प्रकरण में नहीं कूदना चाहिए था। अगर कूदे हैं तो वो बता, वो कह दें पहले कि मैं कांग्रेस सांसद नहीं हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं, ये मेरी निजी राय है। किसने कहा था उनसे उस पर रिएक्ट करने के लिए, ट्वीट करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, जान लीजिए हम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत में रहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारे सियासी लोगों ने हमको बदनुमा कर दिया है, पूरी दुनिया ने बदनाम कर दिया है। ये साहब जितने लोग भाषण करते हैं, बड़े बड़े नेता, हम क्यों भूल जाते हैं अनुपम कि सबकी निगाह हिंदू और मुस्लिम पर रहती है, सबकी निगाह वोटों पर रहती है, ये वोटों खरीदार हैं। मैं समझ गया सर, आपका ये मानना है कि राजनीति हो रही, बांटा जा रहा है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि तथागत राय जैसे लोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो अगर ये कहें जो अभी आपने सुना, अगर चेतन भगत जैसे एक लेखक कहें तो इसे हम कैसे माने, वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर कहें तो इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, जहां तक चेतन भगत और वीरेंद्र सहवाग की बात है, इनको हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं बैठा रखा है, इनकी बड़ी फॉलोइंग है, बहुत से लोग इनके फैन है, इनकी बड़ी मान्यता है, लेकिन राय इनकी इंडिविजुअल है। तथागत राय को मेरे विचार से राज्यपाल के पद पर रहते हुए इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए था। नंबर एक, शशि थरूर को उसको उससे पहले बचना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक फिगर हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो। तथागत राय तो संघ के पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उनसे हम इससे ज्यादा और बेहतर की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन उनको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं। बाकी जो भाषण करने वाले नेता हैं, सबसे बड़े झूठे, मक्कार, बेईमान सर, और लोकतंत्र के दुश्मन ये हैं। वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को अगर एक घंटे में 7 लाख लोग, 4 लाख लोग फॉलो कर ले, लाइक कर ले, तो आप इसे क्या कहेंगे? उनकी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं उनकी बात। ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग की जगह हेमंत तिवारी होते तो लिखते, मैं भी लिखता, ठीक है, मुझे तकलीफ है। एक मिनट सुनिए, ठीक है सर, जल्दी से, या तो वक्त मत दिया करिए या फिर मैं आया। प्लीज, चलिए छोड़िए सर, आप अपनी बात पूरी कर ले। मैं ये कह रहा हूं, वीरेंद्र सहवाग की जगह हेमंत तिवारी एज इंडिविजुअल होते, उनके कई लाख फॉलोअर होते, वो भी ये लिखते। मेरे मन में टीस है कि बचपन से इतने साल तक हमने दिवाली मनाई, कैसे ना मनाए, लेकिन हमको भी अपनी सीमाओं, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हम बम फोड़ने के लिए थोड़ी दिवाली मना रहे, लेकिन रोशनी के लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में टिप्पणी नहीं करूंगा। जितने विद्वान लोग बोल रहे हैं इस देश में, जो ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको पुनर्विचार याचिका के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहिए किसकी एक सीमा का निर्धारण करें, न कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़े। ठीक है, राकेश त्रिपाठी साहब इंडिविजुअल जा सकते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, वरिष्ठ पत्रकार इसके समर्थन में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके समर्थन में है वो। निश्चित तौर पे मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूँ। हेमंत जी का ने जिस तरह से कहा कि उनकी भी भावनाएं दुखी होती, तो फिर तथागत राय का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? या तो आप किसी एक के समर्थन में खड़े हो। तथागत राय जी ने कुछ अलग नहीं कहा है, तथागत राय जी ने भी केवल इतना कहा कि एक वर्ग विशेष है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की है। उन्होंने कहा वो वर्ग विशेष जैसे जिसे दही हांडी से समस्या होती है,
जिसे हिंदुओं के तमाम त्योहारों से समस्या होती है, जल्लिकट्टू समस्या होती है, जिन्हें दीपावली के पटाखों से समस्या होती है, कहीं कोई ऐसा दिन ना आ जाए जिस दिन वो हिंदुओं के अंतिम संस्कार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें शक है, तभी तो वो सवाल उठा रहे हैं जी। कांग्रेस से समुदाय विशेष के उन लोगों से की है, विचार विशेष के लोगों से की है जो हिंदू धर्म के तमाम त्योहारों पर आपत्ति जताते हैं। देवेंद्र जी जल्दी से, तथागत राय का समर्थन करेंगे लेकिन ये भी समर्थन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही है? अनुपम जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी ने अपनी जो बात रखी बहुत स्पष्ट कर दिया, उस पर उसके आगे कुछ कहने को भी नहीं बचा है। मैं कहना चाहता हूं कि शशि थरूर के बयान से, उनके ट्वीट से ज्यादा खतरनाक बयान है जो तथागत राय जी का एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, लेकिन सर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित तौर पे बहुत ही जो है अशोभनीय है। उसको किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के उसको जो है सही नहीं कहा।